Welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 9 chapter 1 number systems exercise 1.4 all questions solved. Aaj hum log padhenge exercise 1.4. First question dekhiye kehta hai visualize 3.765 on the number line using successive magnification. Dekhiye isko kaise solve karenge hum log. Exercise 1.4. क्वेश्चन वन दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.765 तो इसको हम लोगों को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. सबसे पहला नंबर क्या है देखिए 3 तो 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4 इसलिए हम लोग एक पॉइंट में ले लिए हैं 3 और एक पॉइंट में ले लिए हैं 4 ठीक है ऐसे आप लोगों को लिखना है तो मेरा डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है 7 तो 3 और 4 के बीच में मेरा कितना गैप होना चाहिए हम लोगों ने पढ़ा है 3 और 4 के बीच में मेरा 10 का गैप होना चाहिए इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ठीक है. नेक्स्ट मेरा क्या था नंबर डेसिमल के बाद 7 तो ये वाला पॉइंट होता है मेरा 7 का पॉइंट तो ये क्या हो गया ये हो गया 3.7 ठीक है. अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्या है मेरा नंबर 6 ठीक है. देखिए 3.7 यहां था यहां लिख लिए हैं 3.7 तो 3.7 के बाद कौन सा नंबर आता है 3.7 के बाद आता है 3.8 इसलिए इस एंड पॉइंट पे लिख लिए 3.8 बीच में कितना गैप होना चाहिए 10 का ठीक है. देखिए 3.7 था ये हो गया 1 2 3 4 5 6 तो ये वाला पॉइंट है मेरा कौन सा 6 पॉइंट क्योंकि यहां बोलता है ये नंबर होना चाहिए 6 इसलिए 6 में आके हम लोग रुक गए. यहां पे क्या था 3.7 तो यहां पे क्या हो गया 3.7 और बाद में ये 6 यहां से लेके यहां पे आ गया तो ये मेरा हो गया 3.76. अब देखिए नेक्स्ट क्या है नंबर 5 जो 3.76 को यहां से लिए और यहां पे लेके आ गए तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए 3.76 का 3.77 ये लिख लिए और बीच में मेरा 10 का गैप हो गया और जो लास्ट नंबर है वो कहता है 5 तो देखिए ये हो गया मेरा 1 2 3 4 और ये वाला नंबर हो गया है मेरा 5 का ठीक है. ये क्या हो गया मेरा 3.76 देखिए 3.76 आ गया ना आपको यहाँ पे और ये 5 यहाँ पे आ गया ये हो गया मेरा 3.765 यही मेरा क्वेश्चन में बोल रहा था लिखने के लिए नंबर लाइन में हम लोगों ने 3.765 को लिख दिया है. तो इस तरीके से हम लोग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे और नंबर लाइन में डेसिमल नंबर्स को या फिर रियल नंबर्स को लिखेंगे ओके. अब देखिए नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा विजुअलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस यानी कि हमको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है 4.26 बार को. यहाँ पे बार जो है वो मेरा 26 यानी कि 2 नंबर के ऊपर में है. देखिए कैसे होगा ये देखिए ये है मेरा नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 4.26 और 26 के ऊपर बार है तो क्या हो गया ये 4.2626 ठीक है. तो डेसिमल के बाद नंबर कितना हुआ 1 2 3 4 यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस हो गया जो मेरा क्वेश्चन में बोल रहा था 4 डेसिमल प्लेसेस था. तो इसको कैसे लिखेंगे फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 4 देखिए यहाँ पे लिख लिए हैं 4 तो 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5 और बीच में गैप कितना का होना चाहिए 10 का बीच में 10 का गैप हो गया. डेसिमल के बाद देखिए पहला नंबर क्या है 2 इसलिए देखिए 1 और ये 2 ये मेरा 2 पॉइंट है ये क्या हो गया 4.2 ठीक है. नेक्स्ट आएंगे नेक्स्ट क्या है मेरा 4.2 और फिर 4.2 के बाद कौन सा नंबर आता है 4.3 बीच में गैप कितने का होना चाहिए 10 का क्योंकि हमने लिख लिया है 10 का गैप बीच में. उसके बाद कौन सा नंबर है 6 तो देखिए 6 कहाँ पे आता है 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये वाला पॉइंट है मेरा 6 का पॉइंट तो क्या होना चाहिए नंबर यहाँ पे ये हो गया है मेरा 4.2 और ये 6 आ गया है मेरा यहाँ पे ये हो गया है मेरा 4.26 ओके. अब देखिए नेक्स्ट क्या है मेरा यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा 2 तो 4.26 को यहाँ पे लिख लिए तो 4.26 का नेक्स्ट नंबर क्या है 4.27 है
इसलिए इस एंड में हो गया 4.26, उसके ऑपोजिट एंड में हो गया 4.27। तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए नंबर 2। तो 2 कहाँ है देखिए, ये है 1 और ये है 2। ये क्या हो गया 4.26, ये हो गया मेरा 4.262। ओके, तो ये है मेरा 4.262। तो अब हम लोग जब नेक्स्ट जाएंगे तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे 4.262। तो लास्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा मेरा 262 से 263। तो ये हो गया मेरा 4.263। अब जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है 6। तो 6 कहाँ है, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये है मेरा 6। तो ये हो गया मेरा 4.262। यहाँ से मेरा 4.262 आ गया और ये 6 जो है वो मेरा हो गया ये वाला 6। ओके, तो मेरा हो गया यहाँ पे 4.2626, यानी कि डेसिमल के बाद इस पॉइंट में मेरा 4 नंबर डेसिमल के बाद आ गया, जो कि मेरा 4 डेसिमल प्लेसेस हमको क्वेश्चन में बोल रहा था। तो इस तरीके से हम लोग 4.26 बार को 4 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन to get new video updates.